देखिए, वो एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों पर स्टैंड लेते हैं। जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की थी तो हम लोग को एप्रिहेंशन हो गया था कि ये इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस की सभी रैंक एंड फाइल को ये उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक कांग्रेस कर्मियों का यह कर्तव्य है कि उनके फैसले का सम्मान करें। राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहें या न रहें, उनका मार्गदर्शन कांग्रेस को मिलता ही रहेगा, वो हमारे नेता रहेंगे ही। और मैं समझता हूं कि पार्टी को आगे भी उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वो कांग्रेस पार्टी के परिवार हैं, उससे अलग नहीं हट सकते। तो अध्यक्ष होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। राहुल गांधी जी ठीक है अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन हमारे नेता तो रहेंगे। उन्होंने जिम्मेवारी ली है 2019 के हाल की। देखिए, ये जो बड़ा लीडर होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो लीडर होता है फ्रंट पर लीड करता है। तो अगर जीत का श्रेय राहुल गांधी को मिलना चाहिए तो वो उस विचार के आदमी है कि ठीक है, हारी है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हालांकि हार के जिम्मेदार राहुल गांधी जी नहीं है, उन्होंने तो कठोर परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिया, वैचारिक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया, पूरे देश में लड़ाई लड़ी, सघन कैंपेन किया। अध्यक्ष बनने के बाद 3 राज्यों में कांग्रेस जीती, हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में उन्होंने बीजेपी को हराया, और लोकसभा चुनाव में भी हमारा वोट 2 करोड़ ज्यादा बढ़ा पिछले लोकसभा चुनाव में। ठीक है, बीजेपी को ज्यादा वोट आया, हमें कुछ और परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो बतौर लीडर उन्होंने फ्रंट पे लीड किया और कांग्रेस पार्टी को गतिशीलता प्रदान की। अध्यक्ष नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारे नेता वही रहेंगे। किलरपुरा से जब उनको जानकारी दी गई कि आपको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था, उन्होंने बोला मुझे कोई जानकारी नहीं। अभी अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफे की घोषणा राहुल जी ने की है और कहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कि नया अध्यक्ष का चुनाव जल्द करें। तो जब तक आधिकारिक तौर पे कुछ घोषणा नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी। ये क्या हो रहा है गुजरात में प्रेम चंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस ने अपने 65 MLA को माउंट आबू शिफ्ट किया, उनको डर है कि राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले गुजरात में उसमें कुछ लफड़ा निकल जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां रही हैं विभिन्न राज्यों में, वो तोड़ फोड़, विभिन्न पार्टियों को तोड़ना, उन्हें तोड़ के अपने मिलाना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये सब तो उनका हिस्सा रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो प्रिकॉशन लेना एक बेहतर काम है, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। सरकार ने कहा है कि कोई प्लान नहीं है सेडिक्शन लॉ को स्क्रैप करने का, न्यूज प्रोविजन फाइट एंटी नेशनल एलिमेंट, ये हमेशा एंटी नेशनल एलिमेंट से लड़ने की बात करती है। नहीं, एंटी नेशनल एलिमेंट से लड़ने की बात करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करके भी तो दिखाना चाहिए। एंटी नेशनल के खिलाफ काम करने से कौन आपको रोक रहा है? सरकार में है, सत्ता में है, राष्ट्र विरोधी तत्वों को कुचल डालिए, कौन कह रहा है, कौन रोक रहा है? करना चाहिए, जो करना चाहिए वो करते नहीं।